कासिम खटक आपके साथ। आज मैं टाइप ऑफ ड्रग डिस्कस करने जा रहा हूं। व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रग्स? बेसिकली चार ड्रग्स हैं जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। एक है पेन किलर ड्रग, एक है एंटीबायोटिक ड्रग्स, एक है वैक्सीन ड्रग और एक है सेडेटिव ड्रग। डियर स्टूडेंट, और भी ड्रग्स के टाइप है, लेकिन चूंकि आपके लेवल पर ये चार ड्रग्स के टाइप डिस्कस हुए हैं, तो सबसे पहला ड्रग्स पेन किलर ड्रग्स, उस ड्रग को कहा जाता है जो कि जैसे नाम से जाहिर है विच किल द पेन, जो दर्द को खत्म करे, इसको एनालजेसिक भी कहा जाता है। ठीक है ना, यानी आप बंदा बेहोश हो जाए। याद रखिए कि व्हाट इज पेन? अनवांटेड बिट सेंसेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पेन। अनवांटेड बिट सेंसेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड पेन। पेन किलर हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक नारकोटिक ड्रग है और एक नॉन नारकोटिक ड्रग है। ऐसे ड्रग जिसके जरिए हम पेन किल करें, खत्म करें और उसके आदि भी हम बन जाए, हो जाए, कॉजेज एडिक्शन, तो उस ड्रग को हम क्या कहते हैं? नारकोटिक ड्रग, जिसमें निकोटीन, अल्कोहल, कैनपस, एनहेलेंट, मार्फीन, हीरोइन, कोकीन, केपीन, ये सारे क्या है? नारकोटिक ड्रग है। वो ड्रग जिसके जरिए हम पेन को खत्म करें लेकिन वो एडिक्शन को काज न करें, यानी हम उसके आदि ना हो जाए, जैसे एस्पिरेंट मसल रिलैक्सेशन के लिए, तो उस ड्रग को कहा जाता है नॉन नारकोटिक ड्रग। याद रखिए कि ड्रग का सबसे ज्यादा इस्तेमाल पेन किलर के हवाले से किया जाता है। पेन किलर ड्रग को हम, इसकी यूजेस, अगर आपके हेड में एच हो यानी पेन हो, या आपके बैक साइड में पेन हो, या आपके जॉइंट में पेन हो, जॉइंट एच, हेड एच, बैक एच, या आपके मसल में एच हो यानी पेन हो, तो इसके लिए पेन किलर को इस्तेमाल किया जाता है। ये एक किस्म का ड्रग है, क्लियर। दूसरा ड्रग और तीसरा ड्रग, इनको मैं आपके साथ इकट्ठा पढ़ूंगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रिलेट है। याद रखिए एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। एंटीबायोटिक वो ड्रग है जो या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करे या बैक्टीरिया को खत्म करे किसी बॉडी में, तो उस ड्रग को हम कहते हैं एंटीबायोटिक ड्रग्स। वैक्सीन वो ड्रग है जो या तो बैक्टीरिया की ग्रोथ को न बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करता है और न ही बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, उस ड्रग को हम कहते हैं वैक्सीन ड्रग। एंटीबायोटिक ड्रग आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट नहीं करता कि आप एंटीबॉडी पैदा करें। वैक्सीन ड्रग आपकी इम्यूनिटी को स्टिमुलेट करके आपके इम्यून सिस्टम में उस ड्रग्स के खिलाफ, उस ऑर्गेनिज्म के खिलाफ एंटीबॉडी पैदा करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं, मुतासिर करते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी को, एंटीबायोटिक को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब बीमारी की अलामतें अपीयर हो जाए, यानी व्हेन द सिम्टम ऑफ डिजीज अपीयर। और वैक्सीन को हम बगैर बीमारी की अलामतें जाहिर होने से पहले भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है,
इसके अलावा एंटीबायोटिक ड्रग्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है, जबकि वैक्सीन ये इनएक्टिव या नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना हुआ होता है। तो उसको हम कहते हैं क्या, ये दो किस्म के आपके सामने ड्रग हो गए। तीसरा है सेडेटिव ड्रग, जैसे नाम से जाहिर है कि ये ड्रग वो ड्रग जो खेले में नस्कास करे, यानी सुकून आपको दे, रेस्ट आपको दे, जिसको आप स्लीपिंग के लिए इस्तेमाल करें, तो उस ड्रग को हम कहते हैं सेडेटिव ड्रग। याद रखिए ये एडिक्टिव ड्रग की एक कैटेगरी है। मिसाल के तौर पर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आप इस ड्रग को लेते हो, ठीक है, या मिसाल के तौर पर आप टेंशन में हो, अपने टेंशन को खत्म करने के लिए ये ड्रग्स आप ले, तो उस ड्रग को हम कहते हैं सेडेटिव ड्रग्स, ठीक है ना। तो ये चार किस्म के ड्रग्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि इन चारों की सरसरी आपके साथ इंट्रोडक्शन कर लिया है कि भाई ये पेन किलर है, ये एंटीबायोटिक्स है, और ये वैक्सीन है, और ये सेडेटिव है। आखिर में एक मिनट में रिकैप करता हूं, पेन किलर वो ड्रग है जो पेन को खत्म करे, एंटीबायोटिक्स वो ड्रग है जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करे या किल करे, वैक्सीन वो ड्रग है जो न बैक्टीरिया के ग्रोथ को स्टॉप करते हैं और न बैक्टीरिया को खत्म करते हैं, सेडेटिव वो ड्रग है जिस ड्रग को आप आराम के लिए इस्तेमाल करते हो। तो ये चार किस्म के ड्रग्स हैं, ठीक है ना। तो ये हो गए टाइप ऑफ ड्रग्स, क्लियर। तो इसके साथ जो वादा मैंने आपके साथ किया था कि मैं आपको टाइप ऑफ ड्रग की भी समझाऊंगा, इसके बाद एक टॉपिक रहता है मैं अगर समझता हूं वो है एडिटिव ड्रग। इंशाल्लाह इस टॉपिक में एंटीबायोटिक और वैक्सीन के डिफरेंस भी आपको समझ में आ गए, ठीक है ना। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहता हूं, क्योंकि लाइट भी नहीं है, रात के वक्त है, ये स्टूडेंट आपके लिए मैंने वीडियो शूट की है, ये मेरा छोटा सा तोहफा अपने साथ कबूल करें। इंशाल्लाह ड्रग्स पर आज के लेवल पर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन रह गया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स आपके लिए मैंने खोला रखा है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाजत चाहता हूं आपके दुआओं के साथ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हाजिर होगा। खुदा हाफिज़।